इंडियन स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 14 साल से 21 साल के बीच में है उनको लेके एक एक्सपेरिमेंट कराया गया और इसमें जानने की कोशिश की गई कि उनको कितने अपने करियर ऑप्शंस के बारे में पता है यह एक पैन इंडिया सर्वे था जिसमें 10,000 बच्चों का सैंपल साइज लिया गया था और इसके रिजल्ट में यह पता चलता है कि 93% इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ सेवन करियर ऑप्शंस के बारे में पता है जो कि बहुत ही जनरल करियर ऑप्शंस है जबकि इंडिया में अप्रॉक्सिमेटली ढाई करियर ऑप्शन अवेलेबल इसके रिज़ल्ट को जब एनालाइज़ किया गया तब ये समझ में आया कि इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट इंडिया के इकोनॉमी पे भी पड़ सकते हैं 93 परसेंट बच्चों को सिर्फ सेवन जॉब सेक्टर्स के बारे में पता है जो कि बहुत कॉमन है इसलिए उन जॉब सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है और कंपटीशन इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में करोड्स ऑफ करोर्स जॉब्स के लिए अप्लाई आ जाती हैं और वहाँ पे वैकेंसीज बहुत ही कम होती है बहुत ही माइनर इस सिचुएशन का सेकंड एडवर्स इफेक्ट उन कंपनीज़ पे देखने को मिलता है जिनके पास एक प्रॉपर एम्प्लॉयज़ पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो जॉब सेक्टर चूज़ ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं डिज़ाइन आई मेडिसिन लॉ ये सब कुछ सिविल सर्विसज ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके इंडियन स्टूडेंट्स आगे पढ़ाई करते तो अपने करियर को चूज करते हैं लेकिन बाकी सेक्टर्स में जाना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं इंडिया की एवरेज एज इन 2020 सिर्फ 27 साल है यानी कि इंडिया एक बहुत यंग कंट्री है और यहाँ पे टैलेंट्स की भरमार है जो कि बिल्कुल यूथ हैं और वो जितने सारे एक्सप्लोर करना चाहें सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें अपना फुल एफर्ट दे सकते हैं बट बिकॉज ऑफ़ अन अवेयरनेस वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं टीचर्स पेरेंट्स गार्डियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टूडेंट को अपना करियर चूज़ करने के लिए क्योंकि पेरेंट्स खुद अनअवेयर होते हैं बाकी सारे सेक्टर्स के जॉब के बारे में करियर ऑप्शंस के बारे में इसीलिए वो अपने बच्चों को उस डायरेक्शन में गाइड नहीं कर पाते हैं इसीलिए सबसे पहले पेरेंट्स को गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के थ्रू अगर एक बार पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे बाकी सारे जॉब सेक्टर्स के बारे में और करियर ऑप्शंस के बारे में तो अपने बच्चों को भी उस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि कोई भी बच्चा तभी अच्छा करता है जब उसके पीछे उसके गार्जियन का हाथ होता है उसके मिटर का हाथ होता है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक कन्वेंशनल करियर के डायरेक्शन में पुश ना करें और ख़ुद भी अलग अलग डायरेक्शन में एक्सप्लोर करें ताकि अपने बच्चों को उस डायरेक्शन में एक पुश दे पाए अगर किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स के थ्रू वो करियर काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है तो उसको 13-14 साल के बीच में एक काउंसलिंग करके ये चीज़ देखना चाहिए कि उसके किस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है क्योंकि 13-14 साल की उम्र में ही वो सबसे पहले अलग अलग डायरेक्शन में सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में किसी भी स्टूडेंट के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो अपने डायरेक्शन को डिफाइन कर पाए उसे टाइम से इसलिए वहाँ पे उनके गार्डियन के एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंस है भले उनके गार्डियन को नॉलेज ना हो लेकिन वो एक्सपीरियंस उनके ज़रूर गाइडेंस में काम आती है तेरह चौदह साल की उम्र में हर बच्चा अपने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है यही परफेक्ट टाइम है किसी भी गार्जियन को अपने बच्चों से बात करके उसके करियर के डायरेक्शन को चूज करने का चौदह साल का राइट एज पे ही अगर स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन मिलेगा तभी वो अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं और इंडिया के इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में और ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दो क्योंकि एवरी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे इस चैनल पर वीडियोस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं यू कैन चेक मा चैनल आट आल्सो वेरी सुन तब तक के लिए बाय